ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड मीन्स शुक्राना करना, कि जिंदगी में हम कई बार ना कंप्लेंस करते रहते हैं कि मेरे साथ ये हो जाता तो मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, अल्लाह ने मेरे साथ ये कर लिया या भगवान ने मेरे साथ ये कर लिया या उस इंसान ने ये कर लिया वो कर लिया। तो ग्रेटिट्यूड का पार्ट जब आप शुक्राना करना सीखोगे, और आज हम थोड़ा सा रिलीजियस भी जाने वाले हैं, तो आप ये सोचो कि आपके साथ उससे भी ज़्यादा गलत हो सकता था, आपके साथ उससे भी बड़ा हादसा गलत हो सकता था, राइट? तो यहाँ पे जब आप रिलीजियस को कनेक्ट करते हो, तो मैं मतलब आज थोड़ा सा डेप्थ पे जाने वाली हूँ कि कुरान और हदीस में है कि जो एक अल्लाह जिसने पूरा जहान बनाया है, और एक माँ जो हमें इतनी मोहब्बत करती है, जो हम पे कोई तकलीफ या आँच नहीं आने देना चाहती, राइट? लेकिन अल्लाह जो हमसे 70 माओ से ज़्यादा मोहब्बत करता है, तो सोचो कि वो अपने बंदे को कैसे तकलीफ देगा। आप सोचो कि इंसान तो मतलब हम सबसे बेहतरीन मखलूक है, खुदा ने इतना कुछ बनाया है दुनिया का, मतलब ही इज़ अ क्रिएटर, राइट? तो हमसे कभी भी अगर हमारे साथ अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, थिंक पॉजिटिव। आपकी इस लाइफ में अच्छे लोग आ रहे हैं बुरे लोग आ रहे हैं, थिंक पॉजिटिव। और उसमें से पॉजिटिविटी ये निकालो कि अगर ये इंसान मेरी ज़िंदगी में नहीं आता तो मुझे बुरे इंसानों के या बुरे एक्सपीरियंस का एहसास ही नहीं होता। तो ज़िंदगी में जब आप जैसे जैसे हाइट पे बढ़ोगे ना, जैसे जैसे ऊपर चढ़ोगे ना, आपकी लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें आने वाली है जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं की होगी, लेकिन उस टाइम पर आपका स्टेट ऑफ माइंड आपको इतना पीसफुली रखना है और ग्रेटिट्यूड वाला आपको नेचर रखना है। जिस दिन आपके अंदर ये चीज़ आ गई ना, उस दिन आपका बड़े से बड़ा 30 मार खां, बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो कुछ होता है अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, जो कुछ होना है वो भी अल्लाह की मर्ज़ी से होना है, राइट? सो सबसे पहले मेरा पर्सनली मैं बताऊं कि मैं जब रात को सोती हूँ तो ग्रेटिट्यूड करके सोती हूँ खुदा से, और जब मैं उठती हूँ मॉर्निंग में तो भी ग्रेटिट्यूड, बिकॉज जब हम रात को सो जाते हैं तो वी हैवंट आइडिया कि हमारे दूसरे सेकंड मॉर्निंग उठेंगे भी या नहीं उठेंगे, राइट? तो ग्रेटिट्यूड कदम कदम पे करो, अल्लाह का करो, शुक्राना करो, इवन उन सभी लोगों का, उन सभी चीज़ों का। मैं अपने फ़ोन का भी ग्रेटिट्यूड करती हूँ, मैं कलम है वो जो पेन से लिखते ना उसका भी ग्रेटिट्यूड करते हैं। जो एक हमारा फ़ोन है कि हम फ़ोन के साथ लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं, हम बात करते हैं, तो वो भी हमारा एक ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। तो जो बेजान चीज़ें हैं ना, कुदरत ने कहीं ना कहीं उनमें भी कोई जान रखी हुई है, यू नो, कि हम जितना जिस चीज़ की कदर करेंगे वो चीज़ आपको 10 गुना ज़्यादा, 10 टाइम ज़्यादा आपको रिफ्लेक्ट करेगी, आपको चीज़ वो रिटर्न में आएगी आपके पास। तो बी ग्रेटफुल फॉर एवरीवन, और हमेशा खुश रहिए। और